झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गांव जिलिंगगोड़ा आ रहे हैं। मैं इस वक्त सरायकेला के जिलिंगगोड़ा गांव में हूं और यहां पर मुख्यमंत्री की तैयारी, स्वागत के लिए जो तैयारी की जाती है वो पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। जैसे कि आप मेरे पीछे देखिए, पारंपरिक नृत्य के साथ मुख्यमंत्री का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा, ढोल नगाड़ों की थाप पर। ये जिलिंगगोड़ा से मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार चंपई सोरेन अपने गांव जिलिंगगोड़ा आ रहे हैं। इसको लेकर गांव वालों ने खास कर तैयारी की है, यहां के गांव के लोगों में उत्साह है, खुशी भी देखी जा रही है। गांव के लोग मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए यहां पर पहुंचे हैं और ये पारंपरिक नृत्य आपको दिखाई दे रहा होगा, पारंपरिक नृत्य के साथ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का यहां पर स्वागत किया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, सुरक्षा व्यवस्था के यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां के पर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन के लोगों को रखा गया है। जब आप इस गांव में मैं आ रहा था तो गांव के 2 किलोमीटर पहले से ही प्रशासन के लोग जो है वो खड़े हुए थे। आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर जो है हेलीपैड बनाया गया है और मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर इसी हेलीपैड पर आकर उतरेगा। ये मुख्यमंत्री का गांव पड़ता है, ये पैतृक गांव है मुख्यमंत्री का जिलिंगगोड़ा, जो सरायकेला जिला में पड़ता है। और मुख्यमंत्री के स्वागत की अगर हम बात करें तो स्वागत में यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा है। इससे पहले देखिए, पारंपरिक नृत्य का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और भी जो ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। इससे पहले चंपई सोरेन हेमंत सोरेन की सरकार में परिवहन मंत्री के पद पर थे और अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गांव आए हैं और गांव वालों में जो हर्ष उल्लास और खुशी देखी जा रही है वो देखने योग्य है। और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे। यहां से थोड़ी दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास है जहां मुख्यमंत्री जाएंगे। यहां से पहले यहां पर सिद्धू कानू की जो प्रतिमा है वहां पर माल्य अर्पण करेंगे, उसके बाद यहां से आवास की ओर प्रस्थान करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर ढोल नगाड़ों की थाप पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। ठीक हेलीपैड के बगल में ये पारंपरिक नृत्य कर रहे हैं ये लोग। जब मुख्यमंत्री यहां पर उतरेंगे तो उनका स्वागत इसी तरह से किया जाएगा। बहुत दायित्व है हेमंत भाई, बहुत झारखंड को विकास करने के लिए बहुत अच्छा योजना बना के गया है और उसी को जैसे हर गरीब घर में दिया जलाने का काम किया हेमंत भाई। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, जिला का डीसी, जिला का डीडीसी, जिला का अनुमंडल पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, सारा गांव में आके एक एक घर में जाके वहाँ का क्या चाहिए, किस योजना चाहिए, आप लोग का आर्थिक स्थिति क्या है, वो जानने के बाद ही यह है योजना को शुरू किया गया। पेंशन देने का भी शुरू किया गया, जो भी गांव में एक को भी नहीं मिलेगा कि पेंशन हमको नहीं मिल रहा है। इतना सुंदर कामकाज किया है हेमंत बाबू ने, लेकिन विरोधी नहीं पच सका, पेट में दर्द शुरू हो गया और झूठा मुकदमा दे के उनको आज कस्टडी ले लिया। ये आदिवासी, ये झारखंड का इतिहास है। जब भी आदिवासी उत्थान के लिए अच्छा सक्रिय नेतृत्व तो उभरते हैं, किसी न किसी रूप से उसको बदनाम किया जाता है। इसीलिए जो भी योजना शुरू किया है हेमंत बाबू ने, जो यहाँ का बुनियादी ढांचा को मजबूत करने, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर इरिगेशन से लेकर और ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के एक समानांतर लाने के लिए, इसीलिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को किया है ताकि कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं आएगा, यातायात का सुविधा हो, इस तरह से विचार लेके योजना बनाया है। इसीलिए उस काम को हमको पूरा करना है। धन्यवाद। जवाहर।